सो हेलो गाइस, दिस इज शोकोत और इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बारे में। मैं उस सेल में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट और टॉप है और वो कितने में हमें देखने को मिलेगा, मतलब ऑफर कैसा होगा, डिस्काउंट कैसा होगा, सब कुछ बोलूंगा आज इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे, फ्लिपकार्ट में एक बड़ा सा सेल होने वाला है 10 से लेकर 14 अक्टूबर को, और आप सभी शायद जानते ही होंगे। और उसमें हमें बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिलता है, मतलब सब कुछ ही ऑफर्स में मिलता है, मतलब आप मोबाइल बोल लो, आपको फैशन, सब कुछ ऑफर में मिलता है, तो डिस्काउंट भी बहुत ही मिलता है। तो ये वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ स्मार्टफोन के बारे में जो कि टॉप और बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ही आपको मैं रिकमेंड करूंगा। तो ये वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ टॉप और बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो ऑफर में आया गया फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में। तो ये वीडियो एकदम आप लोग एंड तक देखते रहना, ये वीडियो एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहना। और वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यार, सबसे पहले पांच ऐसे ऑफर के बारे में बोल लेता हूँ जो आपको हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, मतलब हर एक कुछ जो आप परचेस करेंगे थ्रू द फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल, तो आपको ये पांच ऑफर सब कुछ सब में से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो ऑफर आता है वो है फ्लिपकार्ट का बाय बैक गारंटी। सपोज एक जीता जाता एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आप रियलमी 2 खरीदते हो 13990 में, तो अगर आप 6 मंथ बाद आप कोई और रियलमी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपको लगभग 10,000 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब वो जो रियलमी 2 प्रो आप उसे देकर आप कोई और स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपको रियलमी 2 प्रो का दाम मिलेगा लगभग 10,000 रुपये। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, फ्लिपकार्ट बाय बैक गारंटी 99 रुपीज़ का है, तो ये ऑफर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सेकंड जो ऑफर आता है वो है फ्लिपकार्ट का मोबाइल प्रोटेक्शन। तो ये ऐसे में तो ये नॉर्मल से अगर आप मोबाइल प्रोटेक्शन लेते हो तो आपको 800 या फिर 1,000 रुपया लग जाएंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आपको लगेगा सिर्फ 99 रुपीज़। मतलब आप बोल सकते हैं आपको एक इंश्योरेंस मिल जाएगा, मतलब अगर आपके मोबाइल टूटता है या फिर कुछ भी होता है वाटर में, अगर आप कुछ होता है, हम बोल सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक डील है, आप बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट का ये कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन जो कि 99 रुपीज़ में है ओनली। और ऐसे में अगला जो ऑफर आता है वो है फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज ऑफर। मतलब मैं क्लियर कट एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, अगर आप Asus ZenFone 5Z लेना चाहते हैं तो वो तो ऑफर में अभी 25,000 में आपको मिलेगा, और अगर आप अपना OnePlus 3T 2 साल पुराना जो है उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसका भाव आपको मिल जाएगा लगभग 10,000 रुपये। मतलब बहुत ही अच्छा आपको एक एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा मतलब इस सेल में। तो अगला जो ऑफर आता है वो है नो कॉस्ट EMI। मतलब अगर आप अभी कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लाइक सोच लो Asus ZenFone 5Z, उसका प्राइस है 25,000, तो आपको नो कॉस्ट EMI भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप सोच लो 6 मंथ में आपको आप पैसा देना चाहते हैं तो आपको लगभग आप 4,000 रुपये करके दे सकते हो, तो आपको नहीं लगेगा कि बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा स्मार्टफोन खरीद लिया, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा। तो नो कॉस्ट EMI भी बहुत ही अच्छा एक डील है। और नेक्स्ट जो ऑफर आता है वो है HDFC कार्ड, अगर आपके पास है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड कुछ भी चलेगा, तो आपको एकदम फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक चीज में। तो ये बहुत ही अच्छा एक डील है, ये बहुत ही अच्छा एक ऑफर है बोल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन की बात करते हैं तो कुछ कुछ मोबाइल फोन में एकदम डायरेक्ट प्राइस कट है और कुछ कुछ स्मार्टफोन में प्राइस कट नहीं है। तो जिस स्मार्टफोन में प्राइस कट है उस स्मार्टफोन में भी आपको 10% HDFC कार्ड में डिस्काउंट मिल जाएगा, और जिस फोन में प्राइस कट नहीं है उसमें भी मिल जाएगा, मतलब प्राइस कार्ड जिसमें है उसमें भी मिल जाएगा, प्राइस कार्ड जिसमें नहीं है उसमें भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं आप स्मार्टफोन डील के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर 10,000 में जो जो स्मार्टफोन आता है उनके बारे में। तो सबसे पहला मेरा जो पिक है वो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2। नॉर्मली ये जो हमें मिलता है 6999 में, लेकिन इस सेल में आपको हमें मिलेगा ये डिवाइस 4999 में, मतलब 5,000 में हमें ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 मिलेगा, मतलब 2,000 की डिस्काउंट हमें मिलेगा इस फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में। नेक्स्ट जो डील है वो है रियलमी C1, और ये डिवाइस लॉन्च होने वाला है, हम बोल सकते हैं इस डिवाइस का सेल होगा 11th को, तो ये तो फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में पड़ता है। तो इसका प्राइस है 6999, लेकिन इसमें कोई प्राइस कट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10% HDFC कार्ड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये अच्छी बात है हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है डील में वो है Honor 7 है। तो इसका जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरियंट है वो मुझे अच्छा लगा है, मतलब इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 10999, और ऑफर में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा 8,000 की प्राइसिंग रेंज में, तो ये अच्छी बात है, 3,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है इसमें। अगला जो स्मार्टफोन आता है वो है Redmi 6, इसका प्राइस है 7999, इसमें कोई भी प्राइस कट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा थ्रू द HDFC डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। और अगला जो स्मार्टफोन आता है वो है Realme 2, और ये स्मार्टफोन हमें नॉर्मली मिलता है 8990 में, और वही में आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या मिलेगा फ्लिपकार्ट DD BBD के थ्रू, वो है 10% HDFC कार्ड से डिस्काउंट। और अगला जो ऑफर आता है वो है Honor 9N, इस डिवाइस का जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है वो हमें नॉर्मली मिलता है 13990 में, और यहाँ पे आपको 4,000 रुपया का 4,000 का
डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये डिवाइस आपको मिलेगा 9999 में, मतलब 2000 की प्राइसिंग रेंज में ऑनर 99 का 6GB प्लस 32GB वाला वेरियंट आपको मिलेगा इस फ्लिपकार्ट बीबीडी ऑफर में। अगला जो स्मार्टफोन का ऑफर है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, वो है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का। तो इस डिवाइस का जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है वो हमें नॉर्मली मिलता है 10999 में, मतलब 11000 में मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट बीबीडी ऑफर में हमें ये डिवाइस देखने को मिलेगा 9999 में, मतलब 10000 में हमें ये डिवाइस देखने को मिलेगा। और आप अलग से अगर आप HDFC कार्ड की कार्ड यूज करेंगे पेमेंट के लिए तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलने का, मतलब उससे भी 1000 रुपया कम हो जाएगा। और यार अभी बात करते हैं 10000 के ऊपर जो स्मार्टफोन आता है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो डील आता है वो है नोकिया 5.1 प्लस। ये डिवाइस, इस डिवाइस का प्राइसिंग है 10999, लेकिन फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में हमें ये डिवाइस देखने को मिलेगा 10499 में, मतलब 500 रुपये का, 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप एक्स्ट्रा करके आप अगर HDFC कार्ड में डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% मिलेगा, और सब डिवाइस में ही मिलेगा ये 10% अगर आप HDFC कार्ड के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो। तो अगला जो स्मार्टफोन आता है ऑफर में वो है Asus ZenFone Max Pro M1, इस डिवाइस का 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट। और ये डिवाइस हमें नॉर्मली मिलता है 12999 में, और फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में ये डिवाइस हमें मिलता है मिलेगा 10999 में, मतलब 11000 की प्राइसिंग रेंज में मिलेगा, मतलब 2000 की प्राइसिंग हमें कम देखने को मिलेगा। तो और ऐसे में अगला जो स्मार्टफोन आता है वो है Asus ZenFone Max Pro M1 का ही 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट, और ये हमें मिलेगा 12999 में। और अगर आप HDFC कार्ड के डिस्काउंट भी लगा लो तो आपको मतलब 1300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं इस प्राइसिंग सेगमेंट में ये सबसे अच्छा 6GB रैम वाला स्मार्टफोन हम बोल सकते हैं इसे। तो अगला जो स्मार्टफोन आता है ऑफर में वो है Redmi Note 5 Pro, और इस डिवाइस का जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो हमें मिलेगा फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में मिलेगा 12999 में, मतलब 13000 की प्राइसिंग रेंज में मिलेगा 15000 की फोन, 2000 के डिस्काउंट हमें मिलेगा इसमें। तो अगला जो स्मार्टफोन आता है वो है Realme 2 Pro, और इस डिवाइस का सेल शुरू होगा 11th को, तो ये फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में पड़ेगा। और यार इस डिवाइस का प्राइसिंग 13990 ही है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइस कटिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस अगर आप HDFC कार्ड की HDFC डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। तो इसे काम में लेने से आपको क्या होगा, आपको 12500 में ये डिवाइस लगभग देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो है नोकिया 6.1 प्लस, इस डिवाइस का नॉर्मल प्राइसिंग है 16000, लेकिन फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में हमें ये डिवाइस मिलेगा 15000 की प्राइसिंग रेंज में। और नेक्स्ट जो स्मार्टफोन डील आता है वो है मोटो 1 पावर, और ये डिवाइस नॉर्मली हमें मिलता है 15999 में, और मिलेगा यहाँ पे 15999 में ही। तो यार अभी बात करते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन आता है वो है पोको F1, और ये डिवाइस हमें नॉर्मली मिलता है 2999 में, मतलब 21000 की प्राइसिंग रेंज में मिलता है, और फ्लिपकार्ट की इस सेल में आपको अलग से कोई डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप HDFC कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला जो स्मार्टफोन आता है वो है Asus ZenFone 5Z, और इस डिवाइस का जो लोअर वेरिएंट है वो हमें नॉर्मली मिलता है 30000 की प्राइसिंग में, 30000 में मिलता है, लेकिन इस सेल में हमें ये डिवाइस मिलेगा 25000 की प्राइसिंग रेंज में, मतलब 5000 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप HDFC कार्ड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 2500 रुपये का अलग से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 25000 से अगर 2500 आप माइनस करेंगे तो आपको 22500 में ये डिवाइस मिल जाएगा। तो अगर आप HDFC कार्ड यूज करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन डील आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8, और हम बोल सकते हैं ये पुराना फ्लैगशिप है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। सैमसंग का जो फ्लैगशिप डिवाइस होता है वो अच्छा हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बजट है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मैं क्लियर कट ही बोल देता हूँ। तो ये जो S8 है वो 50000 है ऑलमोस्ट, और फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आपको एकदम 20000 की प्राइस कटिंग देखने को मिलेगा, मतलब 30000 में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S8। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑफर है आपके लिए। और नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो है Honor 10, और इसका जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो है 33000, और फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा 24999 में, मतलब 25000 की प्राइसिंग रेंज में आपको ये Honor 10 देखने को मिलेगा। तो यार यही है मेरा कुछ पिक जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं बिल्कुल, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सब कुछ मेरा एफिलिएट है। तो अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो उन लिंक से ही खरीदे, और उसके बाद मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मतलब चैनल को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा।
तो ऐसे में अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इनमें से कोई स्मार्टफोन खरीदिए। और मैं बोलूंगा अगर आपके पास HDFC का कार्ड नहीं है तो बोलूंगा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके रिलेटिव्स के पास कुछ HDFC का कार्ड है तो आप उनसे मांग लो एक दिन के लिए और अलग से पैसा डाल दो। अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर आप सोच लो ASUS ZenFone 5G आपको लेना है तो उसमें तो आपको 5,000 रुपया का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, नॉर्मली बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आपको अगर फिर भी 10% डिस्काउंट चाहिए और 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको HDFC का कार्ड तो चाहिए, तो आपको अलग से 2500 तक डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें ऐसे में आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ऐसे में यही है डील फ्लिपकार्ट का BBD सेल, बिग बिलियन डे सेल। और ऐसे में आप मुझे बताओ कि आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो इस सेल में। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फ्लिपकार्ट। तो और एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा एक फेसबुक पेज है, हमारा एक फेसबुक पेज है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी ऑफर। मैं बहुत सारी ऑफर की पोस्ट करता रहूँगा, बहुत सारे लोग पोस्ट करता रहेगा, मतलब फ्लिपकार्ट के जो ऑफर है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप बोल रहे हो फैशन, और सब कुछ मतलब पोस्ट होता ही रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर लाइक कर दीजिए और फॉलो करके सी फास्ट कर लीजिए। तो अगर आपको कुछ खरीदना है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डील आपको देखने को मिलेगा, मतलब लाइक कर लीजिए बस। और अगर आपको पसंद आता है तो खरीद सकते हो, सब कुछ एफिलिएट लिंक होगा, मतलब कुछ फ़ायदा हो जाएगा चैनल का। ऐसे में आप कौन सा स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड हो आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, यही है ऑफर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है शिवकत, मिलता हूँ एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।